दोस्तों हमारे यहाँ बाइक इतनी सारी हो गई है, जी हाँ दोस्तों हमारे यहाँ इतनी सारी बाइक की सेगमेंट हो गई है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन सी बाइक खरीदना चाहिए, कौन सी बाइक परचेज करना चाहिए, कौन सी बाइक हमारे लिए बेटर है और कौन सी बाइक बेटर नहीं है। ये सबसे बड़ा दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है आप लोग का, मुझे पता है। जी दोस्तों आज के इस वीडियो में इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक कंपेरिजन वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं KTM Duke 125 वर्सेस MT15 BS6। दोनों ही BS6 गाड़ियां हैं। अब ये देखेंगे कि दोनों बाइक में बेटर कौन सी बाइक है। दोस्तों आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये बाइक का जो प्राइस है दोनों बाइक का ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है बाइक का जो प्राइस है। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम दोनों ही बाइक के लिए सेम पैसा पे कर रहे हैं, सेम प्राइस पे कर रहे हैं, तो कौन सी बेटर है हमारे लिए, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, जो कि आज आपको एक वीडियो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों का चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों दोनों बाइक्स के बारे में बात कर लेते हैं, KTM Duke 125 BS6 वर्सेस Yamaha MT15 BS6, विच वन शुड यू बाय। दोस्तों सबसे पहले दोनों बाइक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट। दोस्तों अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कोई और प्रोडक्ट हो, चाहे वो मोबाइल हो, सबसे पहले हम यही सोचते हैं भाई कि इस चीज़ का प्राइस कितना होगा। दोस्तों जो ड्यूक 125 BS6 मॉडल है उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,56,000 से 60,000 के आसपास, 1,56,000 रुपये से 1,60,000 के आसपास। ऐसा प्राइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी सिटी में और मेरे सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों MT15 का जो प्राइस है वो है 1,60,000 रुपये के आसपास, 1,60,000 के आसपास ये ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिल जाती है। तो प्राइस में तो दोनों बाइक में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे एकदम ऑलमोस्ट सेम प्राइस हमें देखने को मिल रहा है दोनों ही बाइक्स में, कोई डिफरेंस नहीं है प्राइस में दोस्तों दोनों ही बाइक में। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है कि हमें खरीदना चाहिए। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा मेरा ओपिनियन दोनों बाइक को लेकर कि आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट रहेगा मेरे ओपिनियन से। दोस्तों अब आ जाते हैं कंपैरिजन में, दोनों बाइक के इंजन के बारे में बात करते हैं। ड्यूक 125 मैं पहले बोलूंगा, सेकंड में यामा MT15 बोलूंगा, तो आप समझिए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व लिक्विड कूल FIDUSC इंजन मिल जाता है। वहीं यहाँ पे यामा MT15 में लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ड्यूक का इंजन ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें DOSC इंजन मिलता है, लेकिन यामा का इंजन आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। यहाँ पे ड्यूक 125cc की बाइक हमें देखने को मिलती है और वहीं यहाँ पे MT15 150cc की बाइक हमें देखने को मिलती है, जिसे हम 150 भी कहते हैं। दोस्तों मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करेंगे, ड्यूक 125 में 14.5 का PS पावर मिल जाता है और यामाहा MT15 में 18.5 का PS पावर मिल जाता है। और वहीं ड्यूक 125 में मैक्सिमम टॉर्क 12 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है और यामाहा MT15 में 14.7 का न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो आप देखेंगे सीधे सीधे बाइक में 4 BHP पावर का डिफरेंस है, 4 PS पावर का डिफरेंस है और वहीं 4 न्यूटन मीटर टॉर्क का भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे भाई यामा MT15 का इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है कंपैरिजन टू ड्यूक 125। कूलिंग सिस्टम में दोस्तों दोनों ही बाइक में लिक्विड कूल मिल जाता है, 4 वॉल्व दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाता है। फ्यूल सप्लाई में दोनों बाइक में फ्यूल इंजेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। और वहीं दोस्तों स्टार्टिंग टाइप में दोनों ही बाइक में सेल्फ स्टार्ट हमें देखने को मिल जाती है, 6 स्पीड गियर बॉक्स हमें दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों बाइक के अगर बोर के बारे में बात करेंगे, 58mm का बोर यहाँ पे ड्यूक 125 में और 58mm का बोर सेम MT15 में मिलता है और 47.2mm का स्ट्रोक ड्यूक 125 में मिलता है, लेकिन यामा MT15 में 58.7mm का स्ट्रोक मिलता है, जो कि ये भी चीज़ एक प्रॉफिटेबल आपको देखने को मिलेगी यामा MT15 में। दोस्तों दोनों बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में अगर हम बात करते हैं, स्पीडोमीटर में दोनों बाइक में काफ़ी अच्छा है, दोनों ही बाइक में फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। उसके फीचर्स की बारे में बात करेंगे, दोनों का जो कंसोल है वो फुली डिजिटल मीटर है, उसमें आप लोगों को क्लॉक मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर हम जिसे कहते हैं, साइड स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों सारी इंडिकेटर्स आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। दोनों ही बाइक को फुली डिजिटल मीटर की तरफ से दोनों ही बाइक से डिज़ाइन किया गया है, यामाहा की तरफ से भी और KTM की भी तरफ से। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मीटर ज़्यादा अच्छा लगा।
दोस्तों दोनों के चेचिस एंड सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। चेचिस टाइप में स्टील ट्रेल्स फ्रेम ड्यूक में मिलता है, एमटी में डेल्टा बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉडी टाइप में आपको पता है कि दोनों ही स्पोर्ट नेकेड बाइक है। दोस्तों यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो भाई ड्यूक 125 इज बेटर देन यामा एमटी 15, क्योंकि यहाँ पे ड्यूक 125 में फ्रंट में WP USD मिलता है 43 mm, और वहीं MT 15 में नॉर्मल टेलीस्कोपिक मिलता है। तो आपको पता है कि WP इज बेटर देन टेलीस्कोपिक। और वहीं रियर सस्पेंशन में ड्यूक में WP मोनोशॉक मिलता है, और स्विंग गम आपको यहाँ पे MT 15 में देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्यूक इज बेटर देन यामा एमटी 15 अबाउट सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों दोनों में के डेमिनेशन कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ड्यूक 125 का ओवरऑल जो लेंथ है वो है 1993 mm का, वहीं एमटी 15 का 2020 mm का। बाइक की जो वीट है दोस्तों वो है 789 mm की, और वहीं 800 mm की एमटी 15 में। ओवरऑल जो हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल हाइट, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे को, बोलते हैं मेरे को कि आपने ये चीज़ गलत बताई, लेकिन मैं ये चीज़ सीधे इनके ऑफिशियल साइट से लेकर आया हूँ। अब वहाँ वो लोग गलत बता रहे हैं तो फिर मैं नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि मैं सीधे KTM ड्यूक की साइट से लेकर आया हूँ और इधर यामाहा से लेकर आया हूँ इस स्पेसिफिकेशन को। फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ड्यूक में मिल जाती है, और 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी यामा एमटी 15 में मिल जाती है। दोस्तों दोनों बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे, 175 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ड्यूक 125 में मिल जाएगी, और 155 mm की आपको यामा एमटी 15 में मिल जाएगी। तो ग्राउंड क्लियरेंस से अगर कंपेरिजन करेंगे क्लियरेंस में, तो ड्यूक 125 इज बेटर देन एमटी 15। दोस्तों दोनों के ड्राइव वेट के बारे में बात करेंगे, तो 141 kg की ड्राइव वेट आपको ड्यूक में मिलती है, और वहीं 138 kg की आपको MT 15 में मिलती है। दोस्तों दोनों बाइक के आपको लाइट्स के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी अच्छी हेडलाइट दोनों ही बाइक में डिज़ाइन की गई है कंपनी की तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हेडलाइट में दोनों ही बाइक में आप लोगों को हेडलाइट में ड्यूक में हेलोजन मिलता है, और MT 15 में LED मिल जाता है, जो कि एक प्रोजेक्टर लाइट आपको देखने को मिलती है। टेल लाइट दोनों में LED मिल जाती है। टर्न सिंगल लैंप आपको ड्यूक में LED मिल जाता है, और यामा एमटी 15 में बल्ब मिल जाता है। दोनों ही बाइक में LED टेल लाइट्स मिल जाती है। दोनों ही बाइक में आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी हमें देखने को मिल जाती है, जिसे हम MF बैटरी कहते हैं। काफ़ी अच्छी है दोनों की लाइट में, हेडलाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों दोनों बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। टायर साइज में आपको ड्यूक 125 में 110/70 का टायर फ्रंट में मिल जाता है, और रियर में 150/60 का टायर मिल जाता है। और वहीं MT 15 में 180 का टायर फ्रंट में मिल जाता है, और रियर में 140/70 का टायर मिल जाता है। तो ड्यूक का जो टायर है वो ज़्यादा बेटर है MT 15 से, लेकिन मेरे हिसाब से जो MT 15 में टायर लगे हैं वो इस सीसी बाइक के लिए इनफ है, इनफ। टायर टाइप में दोनों में ट्यूबलेस मिल जाता है, और वहीं दोस्तों यहाँ पे व्हील टाइप में दोनों बाइक में अलॉय व्हील हमें देखने को मिल जाता है। तो सब आ जाते हैं दोनों बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है दोनों बाइक के लिए। तो स्पेशल फीचर में दोनों बाइक में सिंगल चैनल ABS हमें देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रंट ब्रेक में ड्यूक में 300 mm मिलता है, यामा एमटी 15 में 282 mm के मिलता है। यानी कि जो डिस्क की प्लेट जो लगी रहती है उसका साइज है ड्यूक में 300 mm का, और 282 mm का आपको MT 15 में। 230 mm का ड्यूक में रियर में मिल जाता है, और 220 mm का आपको रियर में MT 15 में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी ब्रेकिंग सिस्टम में KTM ने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हुई है ड्यूक 125 में, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाइक की परफॉर्मेंस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के परचेज करने में, कि आपको कौन सी बाइक खरीदना चाहिए, कौन सी बाइक नहीं खरीदना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब मैं आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन बता दूंगा, और आपको सजेस्ट करना है फिर उस लास्ट में कि आपको कौन सी बाइक परचेज करनी है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। दोस्तों इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो दोनों का इंजन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। देखिए ड्यूक 125 125 cc के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, और यामा MT 15 150 cc के क्या आपको मतलब उसकी कैपेसिटी में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन भाई यहाँ पे अगर आप सेम प्राइस दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर है यामा MT 15 परफॉर्मेंस इज बेटर देन ड्यूक 125, ये आपको मानना पड़ेगा। सेकेंड थिंग दोस्तों दोनों बाइक के प्राइस में कंपैरिजन करेंगे। प्राइस में दोस्तों दोनों ही बाइक में 2,000 से 4,000 रुपये का डिफरेंस है, इससे बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कोई प्राइस डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही बाइक का सेम प्राइस हम
कह सकते हैं। दोस्तों दोनों के ब्रांड की अगर हम बारे में बात करेंगे तो एक तरफ है KTM और एक तरफ है यामा। दोनों ही बाइक, दोनों ही कंपनी बहुत ज़्यादा प्रीमियम बाइक्स बनाती है। KTM भी अपने प्रीमियम के नाम से जाना जाती है और वहीं आपको पता है कि यामा जो है वो अपनी बिल्ड क्वालिटी के नाम से जाना जाती है, इंजन के रिफाइनमेंट के नाम से जाना जाती है। उस पर दोस्तों नो डाउट दोनों इंजन बहुत अच्छे हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपेंड करता है कि इसमें आपको कौन सी चीज़ पसंद आती है। दोस्तों दोनों के अगर आप लुकिंग वाइज के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों बाइक का लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ड्यूक अपने नाम से फेमस है ड्यूक, और वहीं MT-15 को ज़्यादा लोग जानते नहीं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो MT-15 को अभी भी नहीं जानते लेकिन ड्यूक का नाम सुने। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो MT-15 का जो लुक है ना वो बेटर देन ड्यूक, क्योंकि यार MT-15 इतनी प्यारी लगती है, उसको आप जब फ्रंट से देखेंगे एकदम यूनिक पीस दिखती है। अगर आप उस बाइक को लेकर चलाएंगे ना रोड में तो आपको ऐसा फील होगा, लोगों को ऐसा फील होगा कि एकदम नई चीज है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ड्यूक 125 का लुक भी बहुत अच्छा है, लेकिन MT-15 भी बहुत अच्छी खासी आपको लुक प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों दोनों के परफॉर्मेंस स्पीड के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको पहले बताया दोस्तों कि ड्यूक 125 टॉप स्पीड में परफॉर्मेंस में कहीं में भी यामा MT-15 को नहीं हरा सकती भाई, क्योंकि 14 BHP वर्सेस 18 BHP बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और 125 cc वर्सेस 150 वही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ड्यूक जो 125 है वह यामा MT-15 के आसपास भी नहीं लगेगी। दोस्तों दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, दोनों का ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यूक 125 का ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर है दोस्तों, क्योंकि फ्रंट में आप लोगों को बिग आपको यहाँ पे डिस्क प्लेट मिलते हैं, जितने ज़्यादा बड़े डिस्क प्लेट होती है उसकी परफॉर्मेंस ब्रेकिंग की उतनी खास होती है उस बाइक की। साथ में उसमें आपको फ्रंट में 4 कैलिपर मिलता है जो कि एक और उसकी प्रॉफिट चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं भाई ब्रेकिंग सिस्टम उसकी ज़्यादा बेटर है ड्यूक 125 की, लेकिन आपके राइडिंग पर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी राइडिंग अच्छी है तो दोनों बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बेटर है। दोस्तों दोनों बाइक की अगर आप वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात करेंगे तो दोनों ही बाइक अपनी जगह पे वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि 125 cc के हिसाब से ड्यूक 125 ओवर प्राइज्ड है। लेकिन भाई मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ड्यूक 125 पे जो आपको फीचर मिल रहा है ना वो चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली कहीं नहीं मिलेगी किसी भी 125 बाइक्स में, यानी कि 150 बाइक्स में भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यामा MT-15 में भी 150 के हिसाब से जो उसका प्राइस है उसके हिसाब से उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बाइक है। मेरे हिसाब से यामा MT-15 इज बेटर देन ड्यूक 125 कंपैरिजन टू प्राइस रेशियो। दोस्तों दोनों के अगर ब्रेक टायर्स के बारे में बात करेंगे तो दोनों बाइक का टायर्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहने के ड्यूक 125 में आपको ज़्यादा बड़े टायर देखने को मिल जाते हैं, इसलिए उसका टायर ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू यामा MT-15। हेडलाइट के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं MT-15 की हेडलाइट इज बेटर देन ड्यूक 125। हेडलाइट में उसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है जो कि ड्यूक में नॉर्मल हेलोजन मिलता है, इस वजह से मुझे यामा MT-15 की लाइट ज़्यादा बेटर लगी। दोस्तों दोनों के अगर आप हाईवे के बारे में जानेंगे, हाईवे मतलब आपको मान लीजिए अगर बाइक सिटी में चलाना है या हाईवे में चलाना है, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर दोस्तों आपको बाइक सिटी में ज़्यादा चलाना है तो गो फॉर ड्यूक 125, हल्की गाड़ी है। अगर आप लोगों को हाईवे पे ज़्यादा चलना है प्लस सिटी पे भी चलना है, लेकिन हाईवे पे ज़्यादा चलना है तो मैं आपको सीधे बोलूँगा कि यामा MT-15 लो, थोड़ी वेट वाली बाइक है, भारी गाड़ी है, बड़ा सीसी है, हाईवे पे ज़्यादा सीसी आपको लगता ही है, ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए इंजन में, तो वो ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन टू ड्यूक 125। अब दोस्तों मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई है, मुझे पता है, लेकिन आपको अगर ड्यूक 125 पसंद है तो आप वही लेंगे या MT-15 पसंद है तो वही लेंगे, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगा भाई वो मेरा जो लास्ट ओपिनियन है वो मेरे हिसाब से ड्यूक 125 से ज़्यादा बेटर है यामा MT-15। जी हाँ दोस्तों, यामा MT-15 इज बेटर देन ड्यूक 125 मेरे रेशियो से, मेरी कब अगर नज़रों से देखोगे तो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ टॉपिक को भुलाऊंगा तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, और कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों का चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।